देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर पूरे देश भर में शोक प्रकट किया जा रहा है और इसी को लेकर सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी एक शोक सभा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सिवान सदर के भाजपा विधायक व्यासदेव प्रसाद, दरौंदा की विधायक कविता सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता जादव के साथ सिवान के तमाम जनप्रतिनिधि और खासकर आम लोगों ने इस सभा में शामिल होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नम आंखों से विदा किया। इस पूरी खबर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए एटीएन लाइव की टीम गांधी मैदान पहुंची हुई थी और किस तरह से देश के वीर सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई, हम दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर आप देख सकते हैं सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शोक सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर सिवान के कई जनप्रतिनिधियों के साथ सिवान की आम जनता भी शामिल हुई है और वो लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर आपको सिवान के गांधी मैदान से हम दिखा रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि और आम जनता सिवान के लोग पहुंचे हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बताते चले कि
कल शाम 5:05 पर इनका निधन हो गया था। उसके बाद से पूरे देश के लोग काफ़ी मर्माहत दिखे और अब उनका अंतिम वहाँ संस्कार भी हो रहा है। आपको हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिवान के गांधी मैदान से। अब बहुत सारे लोग हैं, सिवान के भाजपा विधायक हैं, फिर आपको दरौंदा की विधायिका हैं, तमाम जनप्रतिनिधि लोग यहां पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया सिवान के गांधी मैदान में, कितनी भारी क्षति है पूरे देश के लिए। आज गांधी मैदान में इस सार्वजनिक रूप से यह किसी दल का यह नहीं है, सार्वजनिक रूप से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज कंडोलेंस मनाया जा रहा है और इसमें बहुत हर दल के लोग जुटे हुए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि सभी दलों में अटल जी के सुचिंतक थे और यही कारण है कि दिल्ली से लेकर चारों तरफ लोग का पहुंच बना हुआ है और सबके दिमाग में यह बात थी कि यह सूचना हम लोगों को नहीं मिले कि अटल जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। सबको आशा थी, भगवान से चारों तरफ लोग प्रार्थना भी कर रहे थे कि माननीय अटल जी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आ जाए। वे एक गार्जियन के रूप में थे, उनके उपस्थिति के कारण पूरा हिंदुस्तान एक हिम्मत उसमें हिंदुस्तान को रहती थी, पूरी जनता में एक हिम्मत रहती थी कि अटल जी हम लोगों के बीच है, यदि कोई विपत्ति आएगी तो निश्चित रूप से उस विपत्ति से निवारण हम लोगों का कराएंगे, हमेशा कराते रहे हैं थे, इसलिए लोगों का इतना विश्वास बन गया था। और उनके जाने से इस देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, किसी दल को क्षति हुई है या नहीं हुई है, लेकिन पूरे देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। जब जब विकट स्थिति इस देश पर आया, अटल जी ने हमेशा आगे बढ़कर विरोधी दल के नेता होते हुए उन्होंने उस बात को भुला दिया और भुला करके राष्ट्र हित में उन्होंने काम किया। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से तोड़ने की बात थी, इंदिरा गांधी ने उनसे कहा, इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आम सहमति पूरे पार्लियामेंट का बना रहा हूँ कि आपका जो समर्थन काम कर रही हैं बहुत सराहनीय काम है, आप दुर्गा हैं, आप ही के वजह से ये काम हो सकता है। तो उस समय भी कोई विरोधी दल का नेता होता तो इस तरह की बात नहीं करता। अटल जी जवाहरलाल नेहरू के प्रथम प्रधानमंत्री के बहुत बड़े क्रिटिक थे, हमेशा पार्लियामेंट के अंदर उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहते थे, लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो उस समय वे आगे बढ़कर जिस तरह का उन्होंने अपनी शुभकामना प्रकट की थी, कोई विरोधी दल का नेता उस तरह का शुभकामना प्रकट नहीं कर सकता था। सर हम गांधी मैदान में मौजूद हैं और यहाँ के भी कुछ बीती हुई क्षण बातें हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय शायद इसी स्थान पर आए हुए थे, कुछ वो क्षण हम आपसे जानना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ प्रचारक के रूप में एक साल तक काम किया और इतने उस सरल थे कि साइकिल की पिछली सीट पर बैठ करके और गांवों का वो दौरा किया करते थे। उस समय पंडित जनार्दन तिवारी जी जिंदा थे, वो भी साइकिल पर बैठ करके उनके साथ साथ गांवों में घूमा करते थे, जबकि अटल जी उस समय संघ के प्रचारक थे और प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे। कैलाशपति मिश्र भी सिवान के उसके बाद कैलाश जी एक साल तक रहे, इतने के बाद
अटल जी ने सिवान के लिए हमेशा सिवान को उन्होंने ध्यान में रखा। सिवान में एक बार उनका प्रोग्राम नहीं हो सका, ऐसी वह गाड़ी ही नहीं चली लखनऊ से, इसलिए नहीं आ सके। लगता था कि पूरा सिवान का जो रेलवे का प्लेटफॉर्म है लोग आग लगा देंगे, इस तरह की भीड़ वहाँ थी। लेकिन हाँ और दोबारा उन्होंने प्रोग्राम दिया, पूरा सिवान सजा हुआ था। हम आपको दिखा रहे हैं एटीएन लाइव पर सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि सीधी तस्वीरें दिखाएं। तमाम यहां पे जनप्रतिनिधिगण, सिवान के भाजपा विधायक सदर व्यासदेव प्रसाद, कविता सिंह जो दरौंदा की विधायिका हैं, और जिला परिषद की अध्यक्षा संगीता यादव के साथ तमाम वो जनप्रतिनिधि और सिवान के आम लोग यहाँ पर सिवान के गांधी मैदान में पहुँचे हुए हैं, और सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोगों से बातचीत भी होगी एक एक करके। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार आप दिखाएं जो पुष्प अर्पित कार्यक्रम चल रहा है यहां पर। शोक सभा का आयोजन यहां पर रखा गया है 2 मिनट के लिए। कि जो विधायक हैं कविता जी वो भी पहुंची हुई हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे अटल जी अब नहीं रहे, कितनी भारी क्षति हुई है इस देश के लिए। आज एक युग का अंत हो गया, अटल युग का अंत हो गया। जो समरस समाज की कल्पना किए थे और उसको साकार भी किए थे, उसका अंत हो गया है। लेकिन हम सभी की यही कामना है कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से नवाजे गए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो उनका संकल्प था एक भारत एकता में अखंडता का, सबको साथ लेकर चलने का, और राष्ट्र हित के मुद्दे पर सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने का, वो संकल्प हम सबको लेना है और आगे उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे चलना है। और उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। वो एक देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, एक पत्रकार, एक राष्ट्र कवि, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपनी देश के एकता और अखंडता, और जो उनका हिंदुत्व के बारे में सोच था, उनका कहना था कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और सर्वप्रथम हिंदू हैं, और हिंदू यह कोई सच्चाई मिटा नहीं सकता। अगर कोई अपनी पहचान छिपाता है तो अपनी माँ की इज्जत को दाग दाग करता है, और ऐसे हिंदू हैं जो समरस समाज को एक साथ लेकर चलने का निर्णय लेते हैं और सभी काम जो देश हित में है वो करेंगे और करते थे। उनका कहना था कि अगर कोई भी बाधाएं विघ्न आती हैं तो हम सब मिलकर उसका डटकर मुकाबला करेंगे। और उनकी एक कविता का 2 लाइन मैं आपको कहना चाहूँगी, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी कि उन्होंने एक राष्ट्रीय जोश भरने के लिए युवाओं में, बुजुर्गों में, देश हित के लिए कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सदर विधायक हैं उनकी आंखें भर आई हैं आंसुओं से, क्योंकि ये जो हमारे देश के सपूत थे वो हमारे बीच नहीं हैं और शायद इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। हम फिर से एक बार विधायक जी के पास चलेंगे। सर, एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि अटल जी को सिर्फ भाजपा और हिंदुत्व को लेकर नहीं मनाया जाता है, वो मुस्लिमों में भी काफ़ी उनको श्रेय मिला था। जिस सीट से वो चुनाव लड़ते थे मुस्लिम भाइयों का काफ़ी उन्हें वोट मिलता था, बार बार वो चुनाव जीतते थे। उठी जब अटल जी नॉमिनेशन करने के लिए जाते थे तो वह गली जिससे उनकी गाड़ी गुजरती थी वह केवल मुस्लिम लोगों का था, और गुलाब के फूल से कई बार उनकी गाड़ी ऊपर से गुलाब का फूल गिरता था, गाड़ी भर जाती थी, बार बार उसको बोरे में भर कर हटाया जाता था। इस तरह का प्रेम और प्यार था, यही कारण है कि लखनऊ जैसे जगह में यदि मुसलमानों का समर्थन नहीं मिलता तो अटल जी बार बार वहां से नहीं जीतते। इतने और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, और मनोज जी 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिस व्यक्तित्व के आज गोकुलवासी होने के वजह से केवल भाजपा परिवार ही नहीं पूरा देश मर्माहत है,
इस कदर मरमाहत है कि इस हकीकत को जान करके भी अटल जी हमारे बीच नहीं रहे, मन यह मानने को तैयार नहीं है। उनके पूरे जीवन को जिस तरह से उन्होंने जिया और जो उन्होंने लिखा, उनकी कविता की दो पंक्ति कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि मैं तुम्हें कुछ और दूँ। इस कविता को केवल अटल जी ने लिखा नहीं, इस कविता को उन्होंने अपने जीवन में जिया है और यह कारण है उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बड़े हृदय से चार पंक्तियां उनके श्रद्धांजलि में कि अपना पराया छोटा बड़ा कोई न था, सबके लिए वो समान था, हर क्षण हर घड़ी जिसके हृदय में देश का उत्थान था, छोटा बड़ा कोई नहीं सबके लिए वो समान था, जिसके हर घड़ी हर हृदय में देश का उत्थान था, उस अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम हमेशा अपने पास पाएंगे। जब कभी भी सामने संकट दिखाई देगा, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका विचार दर्शन हमें मार्ग रास्ता दिखाएगा, रोशनी दिखाएगा, और जिस मानवता के लिए उन्होंने अपनी पूरा जीवन समर्पित किया, उस पीड़ित मानवता को सुखी देखना चाहते थे, हम अपने जीवन में हमेशा उसके लिए प्रयास करेंगे। तत्पर और तन्मयता के साथ उनकी जो जीवनी थी, उस जीवनी को अपने में आत्मसात करने का प्रयास करें। तो आपने देखा कि जिनसे भी बात हो रही है उनकी आंखें नम हो जा रही है, ऐसे में ATN चैनल भी उस व्यक्तित्व को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। बड़ा होकर बड़ा रहना बड़ा मुश्किल है, ये चीज़ जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है इस चीज़ को साबित कर दिया कि जो बड़ा होता है वो बड़ा रहने का जो है एक कला होती है, और वो बड़ा रह करके आज भी दिखला दिए। यही ये गांधी मैदान है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ, उनसे हम मिले हुए थे और आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं यूँ कहूँ कि भगवान तेरे अंबर पे आज जश्न का माहौल होगा, भगवान तेरे अंबर पे आज जश्न का माहौल होगा। हिंद की धरती से इंसान के रूप में फरिश्ता जो गया है, हिंद की धरती से इंसान के रूप में फरिश्ता जो गया है, यहाँ से एक फरिश्ता के रूप में जो है वो भगवान के यहाँ गए हैं, और अवश्य भगवान के यहाँ उनके पहुँचने का जश्न मनाया जा रहा होगा। इसलिए कि उनकी व्यक्तित्व बड़ी थी, और उनकी व्यक्तित्व बड़ी थी जिसकी वजह से मुझे ये कह लेने दीजिए कि प्रकृति ने जो लिख दिया सो हो गया, प्रकृति ने जो लिख दिया सो हो गए, वे आकाश के चांद तारों में खो गए, कौन कहता है अटल जी की मृत्यु हुई, वे चलते चलते थक गए तो थक कर सो गए, वे चलते चलते थक गए तो थक कर सो गए। जय हिंद जय भारत। राजनीति के देदीप्यमान नक्षत्र एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल शाम में 5 बजे देहांत हो गया। सारा देश एवं विदेश शोक में डूबा हुआ है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सिवान से भी जुड़ी हुई कुछ संस्करण है जिसको मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूँ। 25/11/1987 को उस समय मैं काफ़ी छोटा था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में उस मंच पे एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमारी बहनों ने एक गीत प्रस्तुत किया था। उस गीत को मैं दोहराना चाहता हूँ। भारत कोई कोई लूटे न विदेशी टोपी लाज रखिया, भारत माता के आचारवा के लाज रखिए। इस पर अटल जी बिहारी वाजपेयी इतने भावुक हो गए, इतने भाव विभोर हो गए इस गीत पर कि उन्होंने गांधी मैदान की महती सभा में, गांधी मैदान पूरा जन सैलाब भरा हुआ था, उसमें उन्होंने संकल्प लिया कि मैं सिवान की ऐतिहासिक धरती पर यह संकल्प लेता हूँ कि भारत की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ करे उसको मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसको मैं हमेशा चकनाचूर कर दूँगा। और उन्होंने जो पोखरण में परमाणु विस्फोट किया, उसके बाद जो भारत की अस्मिता पूरे देश विदेश में फैली जिससे भारू परमाणु संपन्न राष्ट्र बना, और वे एक राष्ट्रीय कवि के रूप में भी थे। सिवान के गांधी मैदान में इस शोक सभा में कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो शायद सिवान के गांधी मैदान में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे उस समय जो कार्यक्रम हुआ था वो शायद कुछ वो पल
जो क्षण थी वो बताएंगे। वाल्मीकि जी हैं और विद्रोही जी हैं, शिवनाथ जी हैं, तमाम लोग हैं, इनसे एक एक कर बातचीत होगी। वाल्मीकि जी आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी पुराने आप लोग संघ से जुड़े हुए हैं और वाजपेयी जी सिवान में आए थे, तो क्या उस समय के कुछ क्षण शायद उस समय आप लोग उस सभा में मौजूद थे? देखिए 25/11/1987 में यहाँ पर राजदेव प्रोफेसर राजदेव बाबू की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ था। बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी उस समय, बाढ़ों के लेकर, और पैसा बहुत कम हो गया था हम लोग काम करते हुए। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और पार्टी के लोगों ने कहा कि उनको थैली देना है, तो 1,15,000 रुपये का हम लोग ने थैली काट कर एक एक गाँव प्रखंड से इकट्ठा कर कर हम लोगों ने पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी को थैली को भेंट किया था। स्मरण के बाद आपने जो कहा है, वास्तव में ये देश के जब 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना हुआ, तो लोकतंत्र में एक ही आदमी का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इसको खड़ा करने चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक महासंघ एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए। उस समय जनसंघ का दीपक साहब का स्थापना किया गया, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। उसी समय ने कश्मीर में जेल में बंद थे, उन्होंने कहा था एक निशान, एक विधान, एक झंडा होना चाहिए देश का। उस समय उनको जहर देकर मार दिया गया। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी, कैलाशपति मिश्र बिहार प्रदेश के, माथुर जगदीश प्रसाद माथुर राजस्थान, सारे लोगों ने मिलकर एक टीम खड़ा किया। और टीम खड़ा करने के बाद उसमें दीनदयाल उपाध्याय को कालीकट में अधिवेशन हुआ, उसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया। मुगल सराय में कुछ विद्रोही लोगों ने उनकी, जो विपक्ष के लोगों ने उनकी हत्या कर दी बनारस में जो है। उसके बाद 80 में हमारे ये आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग 80 में दिल्ली में हम लोगों ने उनको वहाँ पर चुनाव हुआ और उनको अध्यक्ष बनाया गया। उस समय हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी समय कहा था कि दीपक बुझा दिया और कमल खिलाएगा। उस समय दिए हैं पेपर में जो आया है आप लोगों के बीच में, और वहीं पर लाखों कार्यकर्ता जुटे हुए थे। बहुत बड़ा दिल्ली में वहाँ से हुआ, बॉम्बे में भी हुआ था अधिवेशन। 80 के बाद कहते हैं हम, 80 में दिल्ली में जो हुआ था, और बॉम्बे के तो अलग की बात है, बॉम्बे भी वही अधिवेशन हुआ था उसके बाद या पहले, बाकी पहले के बात कहते हैं कि ये खड़ा हुआ टीम खड़ा किए। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद हमारे पूज्य अटल जी अध्यक्ष हुए, और उसके बाद ये लोग हुए हमारे देश के। वास्तव में कण कण क्षण क्षण समय देने वाले, एक एक कण जो है और क्षण अपने जीवन को लग भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ को इन्होंने प्रचारकीय जीवन में अपने जीवन को इन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए सेवा में समर्पित किया। विद्रोही जी, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के व्यक्तित्व की फिर से पूर्ति होगी? मैं आपको, क्योंकि मैं एक ऐसे संगठन से बिलोंग करता हूं जिस संगठन के नायक किरण गोविंदाचार्य हैं, और सबको पता है कि अटल जी के मामले में जब जब अटल जी याद किए जाते हैं तो गोविंदाचार्य जी अवश्य याद किए जाते हैं, और उसी संगठन का राष्ट्रीय स्व संगठन मंत्री के नाते आज मैं कुछ ऐसे चीज़ बताना चाहता हूँ जो अनछुआ हुआ है। हमें याद है कि जब गोविंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अटल जी इस देश के मुकुट हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको प्रचार कर दिया कि अटल जी ने कहा है, वैसे गोविंदाचार्य जी ने कहा कि ये देश के या भारत के या भाजपा के ये मुकोटा हैं, जिससे अटल जी को बहुत तकलीफ लगा था। बाद में गोविंद जी ने काफ़ी सफाई दिया कि नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने आपको मुकुट कहा। लेकिन उस राजनीतिक घटना के कर्म के कारण दोनों में काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी तकलीफ हुआ। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूँ, उन ये आपका 2008 की एक घटना है जो बहुत लोगों को याद नहीं है, जो अपने मुख से किरण गोविंदाचार्य ने बताया कि एक दिन उनका फोन आया अटल जी का कि यहाँ से, कि अटल जी आपको याद कर रहे हैं। तो अटल जी से मिलने गोविंद जी गए थे,
और आपको जानकर आश्चर्य होगा अटल जी की महानता की, कि जब गोविंदाचार्य जी उनके दरवाजे पर पहुंचे तो एक देश का पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं अपने दरवाजे से निकला, गेट तक पहुंचा, उनको गले लगाकर अंदर ले गए और उन्होंने उन्हें बैठाया और उन्होंने जो गोविंदाचार्य जी का को अंतिम वक्त कहा जो बातें कहा, यह बहुत ही बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा, गोविंद जी भले ही आज भाजपा से अलग हैं, लेकिन आपने जो देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, जल जंगल जमीन पर जो काम कर रहे हैं, इससे देश बहुत आगे बढ़ेगा। मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, अपने लक्ष्य की ओर आप लगे रहिए, आपको मेरा बहुत बहुत शुभकामना है। यह बताता है कि अटल जी कितने महान व्यक्ति थे। क्या लग रहा है कि अब उनके नहीं रहने से उनकी पूर्ति हो पाएगी? देखिए, देश में हमें तो नहीं लगता है, मैं हो सकता है, लेकिन अटल जी एक भारतीय राजनीति के पर्दा कहा जाए उसके महानायक थे और महानायक एक ही हुआ करता है, इसलिए हमें तो नहीं लगता है। और भारत के इतिहास में अगर सम्मान नेता सभी पार्टियों का नेता अगर कोई हुआ है तो वह अटल जी हैं। हमें लगता है कि भविष्य में कोई ऐसा नेता होगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज हम गांधी मैदान के प्रांगण में शोक सभा कहा जाए, भावनी श्रद्धांजलि कहें, उसमें एकत्रित हैं एक देश के महान नेता। मैं केवल उन्हें नहीं मानता कि वह राष्ट्रीय सीमा भारत तक ही सीमित है, बल्कि विश्व के स्तर में उनकी महान जो कृतित्व है, व्यक्तित्व है, वह झलकता है, दिखता है। और हम लोगों को छात्र जीवन सुनने का मौका मिला, वही नहीं जो प्रथम अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी के मुंबई में हुआ था दिसंबर में, मुझे लगातार 4 दिन उनके साथ उनके कार्यक्रम भाग लेने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। और आज जो ऊंचाई पर पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी, जब भी वो भी जितने भी बीजेपी के आपको जो पदाधिकारी हैं, यहाँ तक के मैं बता दूं भारतीय संविधान के सर्वोच्च स्थान रखने वाले राष्ट्रपति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय हैं, स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वे सभी इनके शिष्य, अटल जी के शिष्य हैं, सब उनको गुरु मानते हैं। वैसे व्यक्तित्व एक महान कवि भी थे, महान लेखक भी थे, महान पत्रकार भी थे, साथ ही साथ जहाँ तक प्रश्न उठाया जाए कि राजनेता, वो रहते एक महान व्यक्तित्व राजनेता थे, जहाँ उनकी ऊंचाई छूने वाला अब कोई नहीं लगता है कोई छू पाएगा, उसी घर पर कोई पहुंच पाएगा। अनुयायी उनके हैं जो फॉलो करें, उनके मार्गदर्शन में यदि देश चला करे तो निश्चित रूप से जहाँ तक उन्होंने जो काम दिया, अधूरा काम या अधूरा काम नहीं मानता उनके समय में कोई हुआ है, वो काम जो गए हैं पूर्ण करके गए हैं। वह पहली बार इतिहास सब लोग जानते हैं कि यूएन में जा करके और हिंदी में भाषण देने का काम कोई व्यक्तित्व किया था तो अटल जी ने किया था, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने छाप छोड़ा। तो ऐसे व्यक्तित्व जो स्वामी विवेकानंद जी के बाद जा करके और अपना छाप छोड़ा हो यूएन में जा करके, उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में किया था, ये पॉलिटिकल माध्यम देखा जाए तो उन्होंने किया था। तो ये सब ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव इस धरती पर हुआ, धरातल पर हुआ है कि अब जो चले जाते हैं वो स्थान रिक्त हो जाता है, उसकी पूर्ति होना संभव नहीं हो पाता है। फिर भी इस धरती पर ईश्वर की कृपा है कि हमेशा किसी न किसी का आगमन होता रहता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह पूरा देश गमगीन है, शोकाकुल है, शोक संतप्त है, लगता है कि परिवार का कोई अभिभावक, हम लोग कहीं लगता है, मुझे नहीं लगता बल्कि सबको लगता है कि एक अभिभावक चला गया है, मुझे नहीं लगता कहीं खुशी दिख रही है। तो ऐसे व्यक्तित्व के प्रति हम भावभीनी। अटल जी सड़क से लेकर संगठन तक, संसद तक भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूत किया, और जहां भी देश की कोई बात ऐसी आई तो उन्होंने दल नहीं देखा, देश देखा। और मैं यही कहूंगा कि उनके बताए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को चलना चाहिए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और लोकप्रिय कवि, प्रखर वक्ता और महान व्यक्तित्व के धनी, इस देश के राजनेताओं में ईमानदारी और शराफत के प्रतीक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का आज दुनिया से जाना निश्चित रूप से इस देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई इस देश के लोगों को करना मुश्किल है। इस देश को के राजनेताओं को विकास का परिभाषा अटल बिहारी वाजपेयी ने ही समझाया था, और इस विभिन्नताओं के देश में
28 दलों का नेतृत्व एक साथ करके और विकास के कारवां को आगे बढ़ाना भारत में पहली बार यह काम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा किया और करके दिखाया। और एक राजधर्म का पालन कैसे किया जाता है आने वाली नस्लों को, आने वाले राजनेताओं को, यह बात उन्होंने सिखाने का काम किया है। और आज वर्तमान में कई राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर चलकर और देश ही नहीं पूरे दुनिया में अपनी राजनीति और अपने कर्मठता का डंका बजा रहे हैं। उसमें बिहार की राजनीति में भी एक राजनेता आदरणीय नीतीश कुमार भी उनके आदर्शों पर, उनके मार्गों पर और उनके दर्शन पर चलकर आज बिहार में जो विकास की गाड़ी और विकास की गंगा उन्होंने बहाया है वो भी अद्वितीय है। मैं आज अब यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से और अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ और खुदा ईश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। मैं श्रोता को नमस्कार करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस भारत माँ के सपूत ऐसे थे कि ये समुद्र के महासागर थे, वो शब्द कहाँ से लाते थे देश को संवारने के लिए। दृढ़ संकल्प थे, सदाचारी थे, विचारवान थे, अटल थे। यदि कोई इस देश के घातक शब्द को यदि रखते थे तो ऐसे शब्द कहते थे, उनको अवार करना नहीं पड़ता था कि शांति हो जाती थी। वही नहीं, छत्तीस दल को लेकर के उन्होंने चलाया, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ विरोधी से पक्ष से लेकर के कि उनको शब्द को कोई नकार दे और विरोध कर दे, वो नहीं करते थे। इसलिए कि ऐसा शब्द कहते थे कि इस भारत माँ को परम भव तक पहुँचाने के लिए जो उनके मन में तमन्ना थी, उस शब्द को ऐसा रखते थे कि कोई कह नहीं पाता था। और सब लोग आज पूरे हिंदुस्तान का, विश्व को भी थोड़ा बड़ा दुख का समय आया है। भगवान उसको आत्मा को शांति दे, इतना ही कह करके। इस दुख भरी सभा में शोक व्यक्त करने के लिए सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव जी के पुत्र हैप्पी यादव भी यहाँ पर सिवान के गांधी मैदान में पहुँचे हैं। हैप्पी जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना देश को, कितनी भारी क्षति हुई है अटल जी के निधन को लेकर। आज ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज हम लोग अटल जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके विचारों, उनके सिद्धांतों को लेकर हम लोग आज चल रहे हैं। आज उन्हीं के देन है कि इतनी बड़ी कामयाबी अगर भारतीय जनता पार्टी को मिली है तो उन्हीं के वजह से मिली है। पिताजी, क्या आपके दिल्ली में गए हुए वहीं पे उनके अंतिम संस्कार में? जी, उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी, जब अस्वस्थ है तो उनकी स्वास्थ्य की जानकारी के लिए उन्होंने एम्स गए हुए थे। उसी समय उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी और दिल्ली में हैं वो लोग। वहाँ पे उनसे मुलाकात किए थे आपके पिताजी से? उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी स्वास्थ्य खराब थी तो जी उनके एम्स गए थे। जी, एम्स बातचीत हुई थी कि क्या कैसा तबीयत है कुछ इस तरह से जब वो जीवित थे? उनसे नहीं मुलाकात हुई, लेकिन उनके जितने भी मेडिकल डॉक्टर थे और जितने स्टाफ थे उनसे बातचीत हुई, क्योंकि अलाउ नहीं था उनकी। अभी उस समय अस्वस्थ थे, ट्रीटमेंट चल रही थी। तो आपने देखा कि सिवान के सांसद नहीं हैं, वो दिल्ली में ही हैं, उनका हाल जानने के लिए गए हुए थे और अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए हैं। और उनकी गैर मौजूदगी में सिवान के जो सांसद के पुत्र हैप्पी यादव यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। माननीय वाजपेयी जी सिवान आए हुए थे, ऐसा नहीं भाई? मैं उस समय नगर भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हुआ करता था। स्वर्गीय भ्रुवनाथ जी उस समय हम लोग नगर के अध्यक्ष थे। तो हमको वह दिन भी याद है कि वाजपेयी जी आए थे, उनके साथ हमको कम से कम 8 घंटा रहने का मौका मिला। तो जिस समय, उस समय मेरा टीम था, तो वाजपेयी जी को हम लोग सी ऑफ करने के लिए स्टेशन गए तो वाजपेयी जी बैठे हुए, तो हम लोग खड़े थे। कहे कि भाई प्रमिल, तुम अपनी टीम को बुलाओ। मैं जब टीम को साथ लेकर गया, कहे कि तुम ही हुआ, तुम्हारा टीम भी पूरा हुआ, तुम यही करो कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहे, इसका तुम प्रयास करते रहना। आज वाजपेयी जी का ही दिन है कि आज 20 राज्यों में, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य जो विरोधी दल के मुख्यमंत्री वो भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री,
उसके उनके अंतिम संस्कार में मौजूद थे, यही वाजपेयी जी का दिन है कि वो जड़ से शून्य से आज भाजपा को शिखर तक पहुंचाए। तो उनका सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि उनके बताए रास्ते पर हम आगे चलते रहें और जन जन से जुड़ते रहें, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि उनका जो लक्ष्य था, आज हम लोग सिवान से लखनऊ दिल्ली जाते हैं और 8 घंटे में पहुंच जाते हैं, ये किसी और का नहीं, माननीय वाजपेयी जी का देन है। कलकत्ता जाते हैं 8 घंटे में पहुंच जाते हैं, ये वाजपेयी जी का देन है। आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे उस समय, उसमें कहा था कि अशोक ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, उससे सम्राट अशोक याद किया जाता था। लेकिन अब वाजपेयी जी अमर हो गए उन रोडों के चलते कि रोड से हम गुजरेंगे तो हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे और हिंदुस्तान की जनता कहेगी या विदेश से लोग आए हुए लोग कहेंगे कि ये रोड किसका बनाया हुआ है, तो वाजपेयी जी का दिया हुआ है। तो मैं सबसे अपने युवा साथियों से भी, बड़े भाइयों से भी यही निवेदन करूंगा कि वाजपेयी जी के रास्ते पर, उनके सोच पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान विकसित होगा और हिंदुस्तान एक संपन्न राष्ट्र में विकसित होगा।